अभी आप जिस फल को देख रहे हैं उसे शकरकंद कहते हैं। मुझे पता है आप में से बहुत लोग इसे जानते हैं। इसका सेवन हमारे यहाँ कई लोग व्रत उपवास में करते हैं, पर बहुत से लोग इसे देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। जिन्हें इसके फायदे पता है केवल वही लोग इसे बड़े चाव से खाते हैं। देखिए दोस्तों, प्रकृति ने जिस मौसम में जो फल दिए हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ फायदे जरूर होते हैं। शकरकंद की फसल अधिकांशतः दिसंबर से जनवरी में बहुत आयत में होती है। जिन लोगों ने इसे अभी तक नहीं खाया, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख लीजिए। बाद में खाए या ना खाए, आपकी मर्जी। ऐसे लोग जो दुबले पतले हैं, कितना भी खाना खा ले नहीं लगता उनके शरीर को, 3 से 4 शकरकंद उबाल ले। अच्छे से उबल जाने के बाद छिलका उतार कर कम से कम 2 चम्मच देसी घी की मदद से इसका हलवा बना ले और हफ्ते में 2 से 3 दिन सुबह खाली पेट खाए, बाद में अपना वेट कर ले। इसका यदि आप 2 से 3 महीना नियमित रूप से सेवन करते हैं तो कम से कम 5 से 6 किलो आपका वेट बढ़ जाएगा। किंतु आप पहले से मोटे हैं और वेट बढ़ाना नहीं चाहते पर इसे खाना चाहते हैं तो इन्हें भूनकर भी आप खा सकते हैं। इसके सेवन से पेट संबंधी प्रॉब्लम जैसे गैस, पेट अच्छे से साफ न होना, अपच आदि की समस्याएं दूर होती है। चूँकि इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर होता है जो पाचन शक्ति को मजबूत करने में सहायक होता है। विटामिन ए और सी आँखों की रोशनी बढ़ाने में मददगार होता है। विटामिन बी और एंटीऑक्सीडेंट रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के साथ साथ शरीर की बाहरी और अंदरूनी सूजन को कम करने में मदद करता है। आयरन, कार्बोहाइड्रेट, मैग्नीशियम, विटामिन B6 और न जाने कितने ऐसे घटक हैं जो इसे खाने से आपके शरीर को मिल सकते हैं और आप स्वस्थ शरीर पा सकते हैं। मौसम के अनुरूप मिलने वाले फलों का सेवन जरूर करना चाहिए, क्योंकि हमसे ज़्यादा समझदार हमारी प्रकृति माँ है, जो अलग अलग मौसम में हमारे स्वास्थ्य के लिए अलग अलग फल देती है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप इंसान द्वारा बनाई गई केमिकल युक्त चीज़ें ज़्यादा खाना पसंद करते हैं या प्रकृति द्वारा दिए गए मौसमी फल। जानकारी अच्छी लगी हो तो भले ही लाइक मत करिए, लेकिन अपने दोस्त भाई रिश्तेदार में शेयर जरूर कर दीजिए। और हेल्थ संबंधी टिप्स उपाय के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल का बटन दबा सकते हैं। मैं मिलता हूँ किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।